हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑप्शन क्लासी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ऑप्शन क्लासी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में चार्ट के हिसाब से क्या लेवल निकल के आ रहे हैं और उस रेंज को हम कैसे प्ले कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए चार्ट पे चलते हैं। सो ये हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी सिलेक्टेड है और वन डे का चार्ट है, डेली कैंडल है। सो हम लॉन्ग अपना स्ट्रेटजी है, हम वन डे के चार्ट पे इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी चल रहा है नियर अबाउट 39,500 के करीब पे चल रहा है और जो इसका रिसेंटली जो रेजिस्टेंस लेवल था उसी के करीब ये चल रहा है 39,700। यहाँ पर जो उसने हाई बनाया था 39,750 का, उसी के आसपास में चल रहा है। सो उसके बाद अभी जो नेक्स्ट लेवल निकल कर आ रहा है बैंक निफ्टी में, वो लेवल कहीं ना कहीं पहला तो ये एक लेवल है जो शॉर्ट टर्म में है 40,000 के आसपास का। उसके बाद आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई जो है उसका वो है नियर अबाउट 41,800 के करीब उसका ऑल टाइम हाई था। तो ये अपसाइड में ये दो लेवल निकल के आ रहा है, पहला तो आ रहा है यहाँ से 40,000 का और उसके बाद जो ऑल टाइम हाई है वहाँ तक मार्केट अपसाइड में जा सकता है। और डाउन साइड में हम देखेंगे तो डाउन साइड में अभी नियर टर्म में उसने जो सपोर्ट लिया था वो था नियर अबाउट 37,950 के करीब। दो बार उसने सपोर्ट लिया है, आप देख सकते हो चार्ट में यहाँ पर दो कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर भी उसने सपोर्ट लिया था, उससे पहले भी सेम सपोर्ट लिया हुआ था और यहाँ पर भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। तो और आगे देखते हैं कि इसके नीचे भी हमें क्या सपोर्ट मिल रहा है। तो उसके नीचे भी देखिए आप चार्ट के हिसाब से, सो ऑन डाउन साइड नियर अबाउट ये वाला जो एरिया है आप देखिए 38,000 के आसपास काफ़ी टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो 38,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा आने वाले टाइम में। और उससे भी नीचे हम देख सकते हैं तो फिर आपको नियर अबाउट यहाँ कहीं पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो इस वाली रेंज के करीब में भी मार्केट कहीं ना कहीं आपको 36,000 या 37,000 एक राउंड फिगर है। तो यहाँ तक मतलब एक बड़ी बड़ी रेंज हमें यही मिल रही है कि मार्केट 37,000 से लेके 42,000 के आसपास का रेंज, मतलब ये 5,000 की रेंज है, उसमें ट्रैवल करना चाहिए आने वाले टाइम में। ठीक है, सो हम ट्राई करेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटजी हम डिप्लॉय करेंगे सितंबर मंथ की एक्सपायरी के लिए, उसमें हम ट्राई करेंगे कि हमारी जो रेंज निकल कर आए वो अपर साइड में नियर अबाउट 42,000 हो एंड डाउन साइड में नियर अबाउट 37,000 हो। इस 5,000 की पॉइंट्स की रेंज में हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहीं पर कहीं मार्केट अप डाउन करके और एक्सपायरी इसी के बीच में देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो इसी के रिगार्डिंग हम चलते हैं ऑप्स्ट्रा पर और देखते हैं कि हम क्या स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर सकते हैं। सो हमने बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर लिया है और ऑप्शन चेन में चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बैंक निफ्टी 39,500 का उसका ATM है। सो हम क्या करेंगे, 39,500 से 500 पॉइंट्स अपसाइड में 40,000 का एक कॉल है, उसको बाय कर लेते हैं। ठीक है, सो मैंने इसको एक लॉट बाय कर लिया है। सेम वे हम डाउन साइड में चलेंगे एंड 500 पॉइंट्स नीचे 39,000 के पुट को भी हम एक लॉट बाय कर लेंगे। सो बेसिकली ये क्या हो गया है, ये एक लॉन्ग स्ट्रेंगल बन चुका है। ठीक है, तो अगर मार्केट सेंटर में रह गया तो हमें लॉस होगा और दोनों साइड में किसी भी साइड अपसाइड में ज़्यादा मूवमेंट दे दी तो हमें प्रॉफिट होगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो बीच का हमारा लॉस का एरिया है उसको हम कम कर सके। ठीक है, अब हम उसके लिए क्या करेंगे, 39 हमने 40,000 पे सेल किया हुआ बाय किया हुआ है तो वहाँ से हम नियर अबाउट और 400 500 1500 पॉइंट के आसपास ऊपर चले जाते हैं। 41,400 इसके तीन लॉट को सेल कर देते हैं। ठीक है, सेम वे डाउन साइड में चलेंगे एंड 37,500 के तीन लॉट को सेल कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा सिचुएशन क्या बनकर रेडी है। अब आप देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो स्ट्रेटजी है कुछ इस तरह से हमारा पी ऑफ ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेंटर में करीब आपको 1,000-2,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, एंड हमने एक्चुअल में किया क्या है वो देख लीजिए, ये दोनों लॉन्ग स्ट्रेडल है, स्ट्रेंगल है। ठीक है, सो 40,000 का कॉल एंड 39,000 का पुट हमने एक एक लॉट में इसको क्या किया है, बाय किया हुआ है। उसके अगेंस्ट में हमने क्या किया है, 41,400, आप चाहो तो इसको 41,500 भी कर सकते हो। सो मैं 41,500 ही कर देता हूँ राउंड फिगर में, तो क्या है कि वो इशू नहीं रहेगा, जो बोलते हैं ना कि लिक्विडिटी का इशू नहीं रहेगा।
सो लिक्विडिटी का इश्यू ना रखते हुए हम 41,500 कर देते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 100 पॉइंट्स में। ठीक है, अभी हमारा चार्ट वैसे ही था जैसे पहले था। सो हमने बेसिकली 500 पॉइंट दोनों साइड अपसाइड और डाउन साइड में जाके हमने बाय किया है, और वहाँ से फिर और 1500 पॉइंट नीचे जाके और ऊपर जाकर हमने दोनों को तीन तीन लॉट में सेल किया हुआ है। अब देखिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, नियर अबाउट 80% का प्रोबेबिलिटी है कि हमें प्रॉफिट होने के चांस है। जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है नियर अबाउट 38,000। मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड है क्योंकि हमारे दोनों साइड में क्या है, अनडिफाइंड लॉस दिखा रहा है, हमने हेजिंग बाय नहीं की हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो ब्रेक इवन मिल रहा है हमें, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ब्रेक इवन है 36,700 से लेके 42,200। सो हमने हमारे चार्ट में चलते देखते हैं कि क्या लेवल आ रहा है। 42,200 मतलब नियर अबाउट यहाँ कहीं पर हमारा 42,200 आएगा। सो ये इस वाले लेवल पर 42,200 एंड 36,700 नियर अबाउट यहाँ कहीं पर आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने जो रेंज डिफाइन की थी मार्केट की, इस रेंज के बीच में रह सकता है 37,000 से लेकर 42,000 के बीच में। तो हमने जो ट्रेड भी इनिशिएट किया है वो एक्चुअल में उसी के हिसाब से इनिशिएट किया हुआ है, तो हमें उसके हिसाब से सही मिल रहा है। जो हमारा नेट क्रेडिट है वो 800 रुपये है, मतलब कि सेंटर में अगर मार्केट रह जाता है तो हमें 800 के आसपास का प्रॉफिट होगा, मतलब कि मार्केट 39,000 से 40,000 के बीच में भी रह जाता है तो हम कुछ खोएंगे नहीं, हम 800 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट में रहेगा। दूसरी बात जो इसमें मार्जिन यूज़ हो रहा है वो है नियर अबाउट 2.5 लाख का मार्जिन यूज़ हो रहा है, लेकिन आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। आप वीकली में जाके और ये जो आपके हेजिंग है 42,200 एंड 36,700 को आप वीकली में जाके बाय कर लोगे तो वो आपको काफ़ी कम रेट में भी मिलेंगे और आराम से आपकी पोजीशन हेज भी हो जाएगी और साथ में आपका मार्जिन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मैं दिखाने के लिए बता देता हूँ, 8 सितंबर की एक्सपायरी है और 36,700 का जो ये देखिए 36,700 का जो पुट है वो 13 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। वैसे ही हम देखेंगे 42,000 के आसपास का जो 42,000 वाला जो कॉल है वो ओनली 6 रुपये में मिल रहा है। सो टोटल आपका हेजिंग है वो आप 20 रुपये के अंदर में बाय करके और अपने जो मार्जिन है उसको रिड्यूस कर सकते हो। अब रही बात कि इसको कैसे हम मैनेज करेंगे, तो बेसिकली ये एक रेशियो स्प्रेड है, डबल रेशियो स्प्रेड बोल सकते हो 1:3 के हिसाब से। मैंने पहले 1:2 के हिसाब से रेशियो स्प्रेड बनाया हुआ था और उसमें भी हमने कम से कम 6-7 हज़ार की पॉइंट की रेंज रखी हुई थी। इसमें भी हमें नियर अबाउट देखिए 5-5.5 हज़ार पॉइंट की रेंज हमें मिल रही है। सो फ्रेंड्स अभी हमारे पास 4 हफ्ते हैं, तो 4 हफ्तों के अंदर अगर मार्केट स्लोली स्लोली अपसाइड जाता है या स्लोली स्लोली डाउन साइड जाता है तो ये हमारा जो ब्लू लाइन है वो हमारे फेवर में आती जाएगी। ठीक है, तो हमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं, हमें तब तक इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है जब तक ये हमारे सेलिंग पॉइंट तक मार्केट नहीं आ जाता, मतलब कि मार्केट 37,500 ऑन डाउन साइड एंड अपसाइड में 41,500 तक मार्केट जब तक नहीं आता है इस दो लेवल के बीच में, तब तक हमें कुछ भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एज पर ब्लू लाइन भी देखोगे आप तो ब्लू लाइन के हिसाब से अगर मार्केट कल ही नीचे गिरेगा तभी आपको 15-17 हज़ार का लॉस इसमें शो करेगा, लेकिन ऐसा तो आपको भी पता है कि ऐसा कुछ अभी होने की गुंजाइश काफ़ी कम है। मार्केट स्लो एंड स्टडी अपसाइड जाने के हमें चांसेस लग रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट नियर टर्म में हमारा जो ऑल टाइम हाई है उसको टच करेगा। तो जब तक आपके इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है तब तक आप को कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है, और अगर एडजस्टमेंट कैसे करना है उसकी वीडियो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जाके डबल रेशियो स्प्रेड को कैसे मैनेज करते हैं वो वीडियो आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस स्ट्रेटेजी को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस लेके डिप्लॉय कर सकते हो। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ की वजह से ये वीडियो बनाया है। सो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो जो रेंज के हिसाब से हमने इस ट्रेड को डिप्लॉय करने की कोशिश की है, ऑल टाइम हाई एंड यहाँ पर हमने 2 बार सपोर्ट लिया हुआ था और उससे भी नीचे जाके हमने काफ़ी बड़ी रेंज को प्ले करने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। सो आई होप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑप्शन क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।